थर्सडे ले हैंड होगा, बारिश हो तूफान हो ना हो, बारिश होगी तो चर्च के अंदर मीटिंग होगी, 25-30-35 हज़ार लोग अंदर बैठ सकते हैं, तो अंदर मीटिंग होगी, अंदर ले हैंड होगा, छत डली हुई, चर्च बना हुआ है, अंदर इंटीरियर का काम चल रहा है तो वो चलता रहेगा, हम मीटिंग करते रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सबको जाम से की, मेरा विश्वास है आप सब जन से में ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे, और मैं आप लोगों का विशाल रमदासिया चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आप लोगों को पता है कि जो कि अब अंकुर और मिनिस्ट्री के द्वारा जो कि डिलीवरेंस वीक चल रहे हैं, और जैसे कि इस वीक के द्वारा बहुत ज़्यादा लोगों को छुटकारा मिला, जैसे लिखा भी है, वह उनकी आँखों के सब आंसू पोंछ डालेगा, उनके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा, पहली बातें जाती रहे, प्रकाशित वाक्य 21 में लिखा गया। और आपको पता है कि जो कि ANM मिनिस्ट्री की ओर से, जो कि हमारे स्पिरिचुअल फादर की ओर से, जो कि परमेश्वर ने उनको विजन दिया था इन 7 डिलीवरेंस वीक को करने का, और आपने देखा कि अभी तक जो कि 2 डिलीवरेंस वीक निकल चुके हैं, और ये जो 3rd डिलीवरेंस वीक जो कि थर्सडे को जो कि आज शुरू होगा, और बिग हीलिंग, बिग डिलीवरेंस हम इस मीटिंग में पाएंगे। हालेलुया। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस थर्सडे डिलीवरेंस मीटिंग के दौरान हमारे स्पिरिचुअल फादर पास्टर अंकुर यूसुफ नोला जी ने हमें बताया है कि इस थर्सडे को कोई भी जन बिना ले हैंड के नहीं रहेगा। हालेलुया। हर एक जन के ऊपर, हर एक 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 के जन के ऊपर वो खुद ले हैंड प्रार्थना करेंगे, उस परमेश्वर के अभिषेक के साथ, परमेश्वर के मसा के साथ लोगों को ब्लेसिंग देंगे, ब्लेस करेंगे। हालेलुया। और आप लोगों ने देखा कि पहले भी जो कि 2 दिन हमारे स्पिरिचुअल फादर पोस्टर अंकुर यूसुफ नोला जी के द्वारा जो कि लोगों के ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई थी, जो कि कर्जे के रिलेटिक जो कि वचन किया गया था, और जिन लोगों के ऊपर कर्जा था उन लोगों के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की गई थी, और एक एक जन के ऊपर आपने देखा कि कैसे परमेश्वर के दास के द्वारा, हमारे स्पिरिचुअल फादर पोस्टर अंकुर यूसुफ नोला जी के द्वारा ले हैंड प्रार्थना की गई। और आपने देखा कि उन ले हैंड प्रार्थना के दौरान उन अभिषिक्त ऑयल के साथ जब हमारे स्पिरिचुअल फादर ने प्रार्थना की, तो सब लोगों ने कैसे हीलिंग को पाया, मस्सा को पाया। और आपने उस ले हैंड के बाद बहुत सारी टेस्टमनी को भी आपने सुना होगा कि परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस करना भी शुरू कर दिया, परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगियों में बड़ी टेस्टमनी देनी भी जो कि शुरू कर दिया, क्योंकि ये एक इंसान की ओर से नहीं है जो ये काम हो रहे हैं ना चर्च में, जो डिलीवरेंस वीक चल रहे हैं, या ये ले हैंड प्रार्थना हो रही है, ऑयल प्रार्थना हो रही है, ये एक इंसान की ओर से नहीं है, ये हमारे परमेश्वर का एक विज़न है जो कि हमारे दास को दिया जाता है, कि क्योंकि हमारे दास है जो कि हमारे स्पिरिचुअल फादर पोस्टर अंकुर यूसुफ नोला जी, वो जब प्रार्थना में बैठते हैं, जब इतनी तरह देर, आपको पता है कि वो मैन ऑफ गॉड है, रियल मैन ऑफ गॉड है, परमेश्वर उनसे बातें करता, और जो बात परमेश्वर उनको जाहिर करता वही बात वो करते हैं। और इसी रीति से हमारे स्पिरिचुअल फादर ने भी बताया ना, इस थर्सडे जो कि आज की शाम की इवनिंग मीटिंग में कोई भी सेम नहीं रहेगा, हर एक जन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की जाएगी, और जरूर ही प्रार्थना होगी, ये नहीं कि ये नहीं होगी, पक्का इस थर्सडे जो कि वेदियां श्राप लोगों की दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, जो लोग जो बंधनों के नीचे हैं, उन सब लोगों को परमेश्वर के दास के द्वारा उस अभिषिक्त वचन में से गाइडेंस दी जाएगी, उन अभिषिक्त वचन में से बताया जाएगा कि कैसे हमें दुष्ट आत्मा जंगल से बाहर आना है, कैसे हम अपने आप को बंधनों से निकाल सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल का वचन बयान करता है कि परमेश्वर अपने वचनों को बेचकर ही अपने लोगों को चंगा करता है, और इसी रीति से हमारे स्पिरिचुअल फादर ने बताया कि चाहे बारिश हो, चाहे अंधेरी हो, चाहे तूफान हो, और इस वीरवा कुछ भी हो, पर ले हैंड नहीं रुकेगा, ले हैंड होकर रहेगा, क्योंकि अगर बारिश होगी तो चर्च भवन आपको पता है कि बनकर तैयार हो गया है, और चर्च भवन में हम अंदर मीटिंग करेंगे, चर्च भवन में 30-40 हज़ार तक लोग जो कि बैठ जाते हैं, और इन सब लोगों के ऊपर जो कि ले हैंड प्रार्थना की जाएगी। हालेलुया। किसी भी रीति के साथ ले हैंड जो कि नहीं रोका जाएगा, अगर बारिश तूफान होगी तो चर्च के अंदर मीटिंग की जाएगी, पर ले हैंड ज़रूर होगा। हालेलुया। और तैयार हो जाइए आज शाम की डिलीवरेंस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, हर एक जन मीटिंग को अटेंड करें, अपनी पूरी फैमिली को लेकर जाएं, क्योंकि आज आपके बिगेस्ट छुटकारे का दिन है, आज आपके बिगेस्ट हीलिंग लेने का दिन है, सब
वचन मिलकर, पूरी क्लीसिया मिलकर, पूरी चर्च टीम, पूरी चर्च के मेंबर आज की मीटिंग को मिस मत करें, क्योंकि आज परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देगा। आप इस डिलीवरेंस जो कि थर्ड डिलीवरेंस वीक में परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम करने जा रहा है। हालेलुया। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और जो कि रोज़ से नई वीडियो अपलोड करते हैं, उस वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर कर लें। आई